पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क। रूल तो ये है कि अगर एक चार्ज डिस्क ले और इसके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में डेंसिटी क्या यूज करते हैं, सिग्मा। इसके एक्सिस पे आपको वी निकालना है। रूल तो कायदे से ये है कि आप पहले इसके एक आर्बिटरी रिंग लें, उस रिंग का पोटेंशियल निकाल लें, स्मॉल पोटेंशियल, और रिंग का हमें पोटेंशियल निकालना आता है, अभी देखा हमने एक्सिस के ऊपर। ऐसी सारी रिंग्स के पोटेंशियल को मिला दें, वेक्टर का चक्कर है नहीं, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, हमने ये करना है कि अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो अगर रेडियस कैपिटल आर है और एक्स डिस्टेंस पे आपको वी निकालना है इस डिस्क का, इसमें इंटीग्रेशन कर भी नहीं पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेशन यूज होती है, मैथ्स का थोड़ा काम है, और एनसीईआरटी में नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना। तो v का ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला नोट करें, एक्सिस के ऊपर v का ये फॉर्मूला, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ रिंग, वेयर लिख लेना फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, नोट करें कैपिटल R इज रेडियस ऑफ रिंग, ये रिंग का रेडियस है, ठीक है यहां तक? तो कैपिटल R इज रेडियस ऑफ रिंग, तो v की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और अगर आपको सेंटर पे निकालना है v डिस्क के सेंटर पे, तो x को क्या पुट करेंगे, जीरो। तो आप स्पेशल केस बन गया, तो x को जीरो पुट किया तो आपके पास ये v आएगा एट सेंटर ऑफ डिस्क। तो आप सिंपली डायग्राम बना लें, एक यहां पर कुछ ऐसा डायग्राम बना लें अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, एक डिस्क शो करें सिंपल सी, दिस इज अ डिस्क, इस डिस्क का रेडियस शो करें कैपिटल R और ये x, तो ये v की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली है, ठीक है? फॉर एनसीईआरटी डिस्क के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं आते।